पाक भारत सरहद सुलेमान की सेक्टर हवेली लखा के मुकाम पर पंजाब रेंजर्स के जवानों ने दिलकश फौजी परेड का मुजाहरा किया। परेड का मजीद अहवाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा खसूसी अपनी रिपोर्ट में। भारत सरहदी मुकाम सुलेमान के सेक्टर पे 13 विंग डेजर्ट रेंजर सुलेमान के शेर जवानों ने एक दिलकश फौजी परेड का मुजाहरा किया, जिसे देखने के लिए दूर दराज से लोगों की बहुत बड़ी तादाद यहां उमड़ आई। फौजी परेड के दौरान फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद और पंजाब रेंजर्स पाइंदाबाद के फलक शिगाफ नारों से गूंज उठी। परेड के मौके पे सेक्टर कमांडर राशिद मिनहास और विंग कमांडर 13 विंग डेजर्ट रेंजर सुलेमान के कर्नल अनवर हुसैन भी मौजूद थे। इस फौजी परेड को मजीद 4 चांद उस वक्त लगे जब नन्हे फौजियों इजाज और शौकत ने एंट्री डाले, जिन्हें देख के दुश्मन के फौजी और परेड देखने के लिए आने वाले भारतीयों पे सख्ता तारी हो गया। हमारे फौजी जवान परेड के दौरान जब अपने मखसूस अंदाज में अपने मूंछों को ताव देते हुए जमीन पे पांव मारते आगे बढ़ते तो दुश्मन को जैसे सांप सूंघ जाता। परेड के दौरान मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने मिली नगमों पे अपने फन का मुजहरा करते हुए हाजरीन से खूब दाद समेटी। सुलेमान के सेक्टर वो पाक भारत सरहदी काम है कि यहाँ पे पाक भारत 1971 की जंग के दौरान मेजर शब्बीर शरीफ शहीद ने जुर्रत और बहादुरी की बेमिसाल और लाजवाब तारीख रकम करते हुए जामे शहादत नोश किया। इस सेक्टर पे तैनात जवानों का जज्बा आज भी दीदनी है। उनका कहना है कि जमाना अमन हो या हालत जंग, वो हमा वक्त अपने मुल्क मिल्लत की खातिर सब कुछ कुर्बान करने को मुकम्मल तौर पर तैयार है। चौधरी फतेहुल्ला नवाज भुट्टा, सच न्यूज़, सुलेमान की सेक्टर हवेली लखा, डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा। कबीर शरीफ।